मुअज्जम भाई का सवाल है, कारोबार में कंपटीशन करना कैसा है शरई तौर पर? कारोबार में कंपटीशन करना जायज है, अलाउड है, और वो कंपटीशन कुछ इस तरह होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और बहुत सारे शॉप पर भी वही प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को रुझाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में बेच सकते हैं जिससे आपको भी नुकसान ना हो और इस कंपटीशन में आप सामने वाले से हसद नहीं करेंगे, आप उसके कारोबार पर जलेंगे नहीं, यानी आप उसके कारोबार को ठप कराने के पीछे नहीं पड़ेंगे, आप उसके आप उसको नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसका नुकसान नहीं कर सकते। कंपटीशन के लिए आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में बेच सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा, इस तरह का कंपटीशन जायज है। खुद को बेहतर बनाने के लिए आप कंपटीशन कर सकते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं, खुद का कारोबार बढ़ाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी करने के लिए कोशिशें कर सकते हैं, कस्टमर को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन के नाम पर जो आपका कंपटीटर है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप हसद की बुनियाद पर उसको नीचे खींचने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, खुद का कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरों का कारोबार ठप करने की कोशिश ना करें। ये इस्लाम में हराम है, जायज नहीं है, हसद भी हराम है, जायज नहीं है। और सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6065, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में एक दूसरे से हसद करने से मना फरमाया है, एक दूसरे से हसद नहीं कर सकते। हाँ, कोशिशें कर सकते हैं कि फला शख्स इस तरह से काम कर रहा है तो मैं और बेहतर करूं, और बेहतर बनने के लिए आप कोशिशें कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह का कंपटीशन कारोबार में या किसी भी शोबे में जायज है जिसमें आप खुद को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरकीबें सोच सकते हैं, अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं, अलग अलग कोशिशें कर सकते हैं बगैर सामने वाले को नुकसान पहुंचाए। सवाल पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9561942454। आप अपना सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं talatbek988@gmail.com। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट